ड्यूटी दे रहे बिजली विभाग के कर्मचारियों से जानलेवा हमला किया गया। सूत्रों का कहना है कि तीन व्यक्तियों ने तेज तार हथियारों नाल यह हमला किया है। जख्मी लाइनमैन को सिविल हस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। जानकारी देते हुए लाइनमैन जगजीत कुमार का कहना है कि जो रात को बार बार बिजली कट लग रहा है तो इस दौरान फीडर में कुछ फाल्ट आ गया जिसन वो ठीक कर रहा है। तद कुछ नौजवान उत्थे आए तो जे ई साहब का पूछण लगे। मैं उन्होंने पूछा कि की समस्या है। उन्होंने बिना कुछ पूछे दसे मेरे ते दात नाल हमला कर दिता अते मैं बेहोश होकर डिग गया। मैं मेरे जे ई साहब जी ने मैसेज दिता भी ब्रेकडाउन तार टुट गई है। असी मैं जे ई साहब के नाल रविकांत जी लाइन पर काम कर रहे थे। दो तीन मुंडे आए मेरे को लागे थले एक बंदा उत्ते चढ़े मैं थले कमांड कर रहा तार चक हो गई सी तो आए कहते जे साहब कौन है। मैं हाँ जी दसो मैं मेरे को ही एरिया मैं ही देखना तो उन्होंने कुछ नेरा सीगा उन्होंने सीधा मेरे सर पर वार किया। उस तो बाद मैं कुछ मैं बेहोश हो गया। जो आए जरनैल सिंह एक मुंडे पछाणता जरनैल सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह है। बाकी जे दो जे नाल सके उन्होंने मैं नहीं पहचानता जी। नहीं सर कोई कारण नहीं। कट ज़्यादा बार बार लगते पे आ कहते भी वो यही कारण हो सकता जी। की मांग करते प्रशासन इन्होंने विरुद्ध सर सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। कल शाम अपने घोरा सब अंदर आए है घोरा लाइन तो फॉल्ट पै गया तो बिजली घर ने मैसेज दिता भी फॉल्ट पै गया। ये उस लाइन देखण गए ना देखा भी तार टुटी हुई है। जे ई साहब के नाल दो तीन मुलाजम होर लैके ये वो तार नूं ठीक करन लग पए तो ये थले काम कर रहे रस्सा फड़िया सी उपर बाकी बंदे जो दूसरे से उपर चढ़ के तार ठीक कर रहे। अचानक जरनैल सिंह उस पिंड का वह नाम है पुत्र हरमिंदर सिंह वो आया नाल जने होर सी उन्होंने आके पूछा भी जे ई साहब कौन आ। इन्होंने दस्या कि दसो की गल ये थले क्योंकि जे ई साहब साइड पर खड़े से उन्होंने पूछा भी हाँ वो कहते हाँ जी दसो मैं भी देखदा सप्लाई बगैर किसी गल तो उन्होंने ये अटैक करता तेज हथियारों नाल ते जख्मी करता। और उस वेले साडे स्टाफ सानू जाने करती एस डी ओ साहब पहुँच गए तो रात को ही असी हॉस्पिटल ले आए हैं तो हुण इन्हां दे सिर च काफ़ी डूंगी सट लगी है टांके लगे है तो इलाज चल रहा है। इदा देखो साढ़े कोल इदा पॉसीबल नहीं है कि असी कोई रात में जो लाइन एडा बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है कि असी लाइन कोई इन्हों कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके इदा कोई प्रोविजन नहीं है। साडा जिहड़ा स्टाफ आ पब्लिक सानू बहुत सहयोग करती है। ये तो कभी इंसीडेंट होया अदरवाइज पब्लिक साडे नाल सहयोग करके नाल हैल्प करके ट्रैक्टर ट्रालियां दे के नाल हो के काम करवाउंदे आ। इदां दा हाँ जी सिफारिश ये करते जी इदा के जिहड़े को आंसर हैगे आ वो सारे लोगों पब्लिक को बदनाम करते जिहड़ा अटैक जिहड़ा हैगा ये जगजीत सिंह जगजीत कुमार ते नहीं हैगा ये सरकार ते महकमे ते अटैक आ क्योंकि महकमे ने रात लोगों की दिन रात जिहड़ी आ हाल्ट अटेंड करना 24 घंटे तो उन्होंने विश्वास होना चाहिए भी साड़ी कोई भी इस तरह की ना हो करता भी जिन्होंने ये किया उन्होंने सख्त कार्रवाई हो। डिपार्टमेंट वालों भी कोई एक्शन लिया जाएगा दोषी पर असी अपने डिपार्टमेंट वालों वो खिलाफ लिखांगे कि एक तो अटैक हो गया दूसरा सरकारी काम विघन पान होया सरकारी ड्यूटी दौरान किया सारा जो एक्शन है ये पुलिस विभाग ने लैना प्रशासन ने लैना आना ड्यूटी बनती है। साढ़े वालों उन्होंने प्रोपर रिपोर्ट दी जाऊगी और असी ये आस करते हैं कि इस तरह के आंसर से सख्त कार्रवाई हो जो इलाके जी साढ़े मुलाजमान रात समय दिन समय काम करने कोई तरह की डर महसूस ना हो। थाना दसूहा के मुखी करनैल सिंह का कहना है कि उन्हां द्वारा मामले की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। कल शाम करीब 8:15 बजे इत्थे बिजली का नंगल घोगरे काम चल रहा सी लाइन के उत्ते कोई फॉल्ट पिया सी ते उन्हूं ठीक करन लई बिजली बोर्ड के जिहड़े मुलाजम है ते वो जगजीत कुमार जिहड़ा लाइनमैन है उहदी हाजरी विच काम चल रहा सीगा ते कुछ जिहड़े उत्थे दो तीन बंदे जिहड़े घोगरे दे उह आए उन्हां नाल बहसबाजी करनी शुरू कर दित्ती ते उन्हां दे काम च रिकॉर्ड पाउण दी कोशिश कीती। जदों उन्हां ने लाइनमैन ने उन्हां नूं ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿਓ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਦਸੂਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਬਟ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਣ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।